एक ईमानदार प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने वाले इसे जरा गौर से देखें। गांधी परिवार ने श्री मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के पद पर जब नियुक्त किया उस समय देश में हालात क्या हो गए थे। 5 जुलाई 2005 अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकवादी हमला, 6 लोग मरे और दर्जनों घायल। 28 जुलाई 2005 जौनपुर में श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में आरडीएक्स द्वारा बम विस्फोट, 13 मरे 50 घायल। 29 अक्टूबर 2005 दीपावली के त्योहार के 2 दिन पहले दिल्ली के गोविंदपुरी की बस पहाड़गंज और सरोजनी नगर के भीड़भाड़ वाले इलाके में सीरियल ब्लास्ट, 70 लोगों की मौत, 250 से ज्यादा घायल। 7 मार्च 2006 हिंदुओं की श्रद्धा के केंद्र वाराणसी पर संकट मोचन मंदिर भीड़भाड़ वाले इलाके में 3 बम ब्लास्ट, 28 श्रद्धालुओं की मौत। 11 जुलाई 2006 मुंबई में एक साथ माटुंगा रोड, महीम, बांद्रा, खार, जोगेश्वरी, भाईंदर, बोरीवली स्टेशनों के लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट, 209 लोगों की मौत, 700 से ज्यादा घायल। फसल शेख, आसिफ अंसारी, आसिफ खान, कमल अंसारी, एहतियाज सिद्दीकी और नावेद खाट घटना के प्रमुख सूत्रधार थे। 8 सितंबर 2006 मालेगांव की मस्जिद में सीरियल ब्लास्ट, 37 मरे, 125 घायल। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का हाथ था, बाद में चार्जशीट बदलकर हिंदू आतंकवाद की ऐतिहासिक असफल थ्योरी बनाने की कोशिश हुई। 18 फरवरी 2007 समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, 28 मरे, 50 घायल। सेना की इंटेलिजेंस ने इस्लामिक आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का हाथ बताया। वहीं कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद बनाने के चक्कर में भारतीय सेना के कर्नल श्रीकांत पुरोहित को जेल में 7 वर्षों तक भयानक यातनाएं दी। 9 वर्ष बाद पुरोहित जेल से बाहर आए। 24 नवंबर 2007 उत्तर प्रदेश में लखनऊ, अयोध्या और बनारस के न्यायालयों में सीरियल ब्लास्ट, 16 लोग मरे और 79 लोग घायल। 1 जनवरी 2008 रामपुर उत्तर प्रदेश में सीआरपीएफ कैंप पर हमला, 8 लोग मरे, 7 घायल, लश्कर ए तैयबा का हाथ। 25 जुलाई 2008 बेंगलुरु में 8 सीरियल ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत और 20 घायल। 13 सितंबर 2008 दिल्ली के गफ्फार मार्केट, बाराखंबा रोड, जीकेवर सेंटर पार्क में 31 मिनट के अंदर 5 बम धमाके हुए, 4 अन्य बम निष्क्रिय किए गए, 33 लोग मरे और 150 से ज्यादा घायल हुए। 13 फरवरी 2010 पुणे की जर्मन बेकरी में बम ब्लास्ट, 17 लोग मरे और 70 घायल। 13 जुलाई 2011 मुंबई के ओपरा हाउस, जवेरी बाजार और दादर एरिया में भीषण बम ब्लास्ट हुए, 26 लोग मरे, 130 लोग घायल। 7 सितंबर 2011 दिल्ली हाईकोर्ट में बम ब्लास्ट, 17 लोग मरे और 180 लोग घायल। 21 फरवरी 2013 हैदराबाद में 2 बम ब्लास्ट, 18 लोग मरे और 131 घायल। इंडियन मुजाहिदीन का फाउंडर यासीन भटकल, असदुल्ला अख्तर तहसीन, अख्तर एजाज शेख बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड थे। 17 अप्रैल 2013 बेंगलोर में बम ब्लास्ट, 14 लोग गंभीर रूप से घायल। 1 मई 2014 चेन्नई में गुवाहाटी बेंगलोर एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट, 2 लोग मरे, 14 गंभीर रूप से घायल। यहां एक बात और याद दिलाना जरूरी है कि जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी उसमें मारे गए थे, तो तत्कालीन कांग्रेस की मुखिया श्रीमती सोनिया गांधी उन आतंकवादियों की लाशों को देखकर फूट फूट कर रोई थी, जैसे कोई अपना चला गया हो। 2014 में मोदी के आने के बाद से दिल्ली की सड़कों, हैदराबाद, अहमदाबाद और अयोध्या के चौराहों पर, जयपुर और बनारसी गलियों में कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ। जहां कोई मंदिर या मस्जिद जाने वाला, कोई दिवाली के लिए खरीदारी करने वाला, कोई रेस्टोरेंट में अपने परिवार के साथ बैठा व्यक्ति या मुंबई की लोकल ट्रेन में यात्रा करता नागरिक उसकी चपेट में आया हो। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस देश में आम चुनाव द्वारा इलेक्टेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज है, जबकि आज से पहले आतंकवादियों की लाश पर आंसू बहाने वालों द्वारा इलेक्टेड प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। आज देश आतंक और आतंकवादियों की कब्र खोद रहा है। पिछले 2 सालों में 300 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। आज देश के लोग चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि देश का चौकीदार और देश की सेना अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं।